Welcome back to JKICC. I am your English mentor, Rita Sharma Sate. In last two videos, I taught you about simple present tense and present continuous tense with minute details followed with MCQs. In today's video, I am going to tell you about present perfect tense, its uses and the structure of sentence. First of all, we should know what is present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ. Present perfect tense उस action को बोलते हैं, उस काम को, उस क्रिया को बोलते हैं जो कि अभी-अभी खत्म हो चुका है. That is in a recent present. अभी-अभी जो काम है वो completely done है. उसको हम बोलेंगे present perfect tense. Okay, I have written here definition and there's certain points जहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि present perfect tense का use होता कहाँ पे है. देखिए, an action verb, ठीक है, कोई भी काम that is recently finished जो अभी-अभी हो चुका है. Remember the word हो चुका है, हो गया है, means the work has perfectly done, जो चीज़ ख़त्म हो चुका है, is expressed in present perfect tense. देखो, वो जा रहा है, वो गया है, ये simple present tense और present continuous tense हो गए. अब इसमें जा चुका है, जब बोलना हो, तो हम use करेंगे present perfect tense, ठीक है? It is a mixture of present and past. ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर इसलिए क्योंकि हमारा एक्शन वो स्टार्ट हुआ है कब, पास्ट में, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. हम लोगों को देखना है कि खत्म कब हुआ है, अभी आके प्रेजेंट में आके खत्म हुआ है, ठीक है. इट ऑलवेज इम्प्लॉयज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पास्ट के साथ, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. सेकेंड थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट to indicate complete activities in the immediate past, recent action, जो past में किया गया हुआ काम जो कि अभी अभी आके ख़त्म हो गया हुआ है. To describe the past event when we think more of their effect in the present than of the action itself. It means कि जो काम शुरू हुआ तो past में है, लेकिन उसका impact, actual effect जो है वो present में है, इसलिए वो action कब शुरू हुआ that is not that important, लेकिन कब ख़त्म हुआ वो present में आके ख़त्म हुआ है, that is more important in present perfect tense. Okay, चलो फिर आपको मैं बताती हूँ कि हम present perfect tense में लिखना है तो क्या क्या चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. सबसे पहले तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखना है तो यू शुड नो द कंजुगेशन ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, पॉजिटिव, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको पता होना चाहिए. जैसे आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, सिट, सेट, सेट, लुक, लुक्ड, लुक्ड, ठीक है. आप ऐसा करिए, डेली नियर अबाउट 20 to 30 आप कंजुगेशन ऑफ वर्ब लर्न करो, क्योंकि कंजुगेशन ऑफ वर्ब में दो टाइप से, रेगुलर और इरेगुलर. रेगुलर में तो यू नो दैट कि हमने ईडी या डी, डी या ईडी लगा के हम उसको पास्ट टेंस में कर देते हैं, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स है वो तीनों की फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है. जैसे कि ईट, एट, eaten. आपको मैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब इसलिए इस टेंस में समझा रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सबसे पहले पढ़ते हैं. हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कि ब्रॉडली 8 टाइप्स मैंने आपको बता दिया है, आई, वी, दे, यू, है ना, शी, ही, इट एंड सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ. प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल सब आप ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल वाली लगा लेंगे, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
हैज हैव यहाँ पर हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. हैज हैव देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है. ठीक है, परफेक्ट टेंस में अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय वॉक, आई हैव डन विथ माय जॉब, सी हैज रन फास्ट, मदर हैज कुक्ड डिलीशियस फूड. है ना, अगर ऐसी बात हम बोलेंगे जो चीज़ अभी अभी हो चुका है. जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. कंप्लीटेड माय वर्क मीन्स मेरा काम हो चुका है, मैं अपना काम कर चुके हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एक है हैज और दूसरा है हैव. अब कहाँ पे यूज करेंगे बताइए. हम हैज को वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया हुआ है कि शी ही इट और सिंगुलर नाउन जहाँ पे होंगे तो आपने वहाँ पर हैज लगा देना है. ठीक है, और जहाँ पे सब्जेक्ट होगी आई वी दे एंड यू, इमिडिएटली आपने वहाँ पे लगाना है परफेक्ट टेंस बोलते ही हैव. एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, ये हो गया. अब हम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेशन वाले सब्जेक्ट सेंटेंस को. ठीक है, अब आपको ये तो हो गया आपकी पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब आपने नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, वो नहीं जा चुका है, वो नहीं कर चुका है, ऐसा बोलना है, तो आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे उसको. हम उसके लिए करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके इमिडिएटली बात आप लगाओगे नॉट, एंड देन वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि दे हैव नॉट प्लेड विथ अस, वो लोग हमारे साथ नहीं खेल चुके हैं. ठीक है, खेल रहे हैं. दे हैव नॉट, हमने हैव या हैज के बाद नॉट लगाएंगे तो वो नेगेशन में चला जाता है, सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, ना वाले सेंटेंस ऐसे बनाते. एंड वॉट अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप कैसे पूछोगे. अगेन वी विल ब्रिंग ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, हैज हैव इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड देन सब्जेक्ट and third form of verb and object and then question mark. Has have has he climbed the Everest? Have they learned whatever I taught? Okay, this is what interrogative sentence. Negative interrogation, अगर आपने नहीं जा चुका होगा, अगर हमने बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे. Has have subject, सब्जेक्ट की बात हम लगाएंगे नॉट, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अदरवाइज हम उसको शॉर्टन करके एब्रीविएट करके भी लिख सकते हैं, हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हैजंट शी टॉक्ड लाउडली देन क्वेश्चन मार्क, है ना. हैवंट दे प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क. दिस इज हाउ वी मेक नेगेटिव इंटरोगेशन. आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदाजनक होगा. आपने अगर प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि टेंसेस आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसको एक सीरीज में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियोज वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड देन फॉलोड विथ MCQs. क्यों आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि ये एक बार पढ़ोगे इट विल नॉट स्टे इन योर माइंड, यू हैव टू राइट इट डाउन. लिख लीजिए एक बार दो बार एंड वी विल गिव यू MCQs, उसको सॉल्व करिए. वी विल प्रोवाइड यू PDF फाइल जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से करेंगे तो इट विल फॉरएवर रिमेन इन योर मेमोरी. ओके, फॉलो अस इन आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब अस, शेयर अस एंड लाइक अस. थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम.